यादव जाति के प्रति अदर जातियों में मीडिया वालों ने नफरत फैलाया है यादव के प्रति कि यादव इसकी वजह से लालू को वोट नहीं दे। गया में जीतनरामा जी का जमानत जब्त होगा और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार अपने कैडरों को संगठित करने के लिए ताकि छोड़ करके भागे न। घर घर में लालटेन जलेगा, चुपचाप लालटेन छाप, लालटेन छाप, बोलिए सब चुपचाप लालटेन छाप। इस संविधान को बनाने के लिए वीर कुंवर सिंह, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दिया। उस संविधान को कह रहा है कि अंग्रेज के बनाए हुए संविधान है। अडानी जी का विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ है। अब देख लीजिए भाई, 1600 करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ कर दिया। क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना जंगल राज है? अगर कोई हमें हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा हुआ है और हम उस गुलामी के विरोध में आवाज उठाने लगेंगे तो जंगल राज है। दिन रात एक आदमी को हीरो के रूप में पेश किया जाएगा, एक झूठ को 100 बार दिखाया जाएगा तो वो झूठ झूठ नहीं रह जाता, सच हो जाता है। मोदी लहर है या नहीं है? ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। दलित का नेता कोई बनता है जाकर के फिर सामंतवादियों की गोद में ही बैठ जाता है। इसलिए वहाँ पे रहिए जो आपकी आवाज है, जो आपके लिए बदनाम हुआ, आपके लिए जेल में गया, विजय माल्या लेके भाग गया, मोहुल चौकसी लेके भाग गया, अपने सब कुछ बेच रहे हैं, मजदूरा के बेच दिए, किसान को बेच रहे हैं, किसान का फसल का कीमत नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर दिए। और आप तो मोदी जी के राज में आत्महत्या पर बात ही नहीं किया जा रहा है। माझी जी क्या किए? कुछ नहीं किए। वो लोग असली क्षेत्र में तो हम लोग का खत्म कर दिए। हाँ, जेठियन सौतर अतरी सब बर्बाद कर दिए। माँ जी देखिए, गया लोकसभा की सिरघाटी प्रखंड अंतर्गत खंडेल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और देखिए तेजस्वी यादव आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उस रैली में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब तेजस्वी यादव को सुनने लोग आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लालटेन वाले होंगे, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं कि क्या गया में क्या माहौल है, लालटेन या फिर कराही, किसका पलड़ा भारी है? ये बताइए, क्या नाम है आपका? मुस्तफा खान। लालटेन या कराही? लालटेन छाप। एकदम श्योर लालटेन छाप। लालटेन ही आएगा? हाँ, बस लालटेन ही आएगा और दूसरा कोई नहीं आएगा। माझी जी भी मैदान में? नहीं, माझी जी क्या किए? कुछ नहीं किए। वो लोग असली क्षेत्र में तो हम लोग का खत्म कर दिए। हाँ, जेठियन सौतर अतरी सब बर्बाद कर दिए। माँ जी हाँ, एकदम बर्बाद कर दिए। बताइए गया में क्या माहौल है? लालटेन ने करा? गया में जीतनरामा जी का जमानत जब्त होगा और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार अपने कैडरों को संगठित करने के लिए ताकि छोड़ करके भागे न, इसलिए 400 पार कर रहे हैं। 40 भी नहीं पार हो पाएंगे इस बार मोदी जी। पूरे देश में 40 भी नहीं पार होंगे। पूरे देश के नौजवान जाग चुका है, किसान जाग चुका है। अब देखिए ना, उसके सांसदों को जनता खदेड़ रही है। इतिहास पहली बार है कि कोई भी सांसद वोट मांगे उसको जनता खदेड़ रही है, नौजवान खदेड़ रहे हैं। नौजवान अपने रोजगार चाहिए, महिला अपने इज्जत सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है, किसान अपने फसल के कीमत के लिए लड़ रहे हैं। 600 रुपये डीपी था, 1800 रुपये हो गया और 45 किलो हो गया। 300 रुपये यूरिया खाद था, 450 रुपये हो गया, 45 किलो हो गया। क्या बात कर आप बोल रहे हैं कि मोदी जी सरकार बोल रही है कि इतना विकास कर रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, घर शौचालय दे रहे हैं, पता नहीं मकान बनवाने के लिए घर दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, बोल रहे विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। हाँ, अडानी जी का विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ है। हाँ, अब देख लीजिए भाई, 1600 करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ कर दिया मोदी जी। और किसानों को हिंदुस्तान के सबसे पहला चीज है कि महिला सब कर्जदार है, जीविका जरिए के जरिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए, कोई अभी महिला नहीं जो बिना कर्ज के नहीं है। मैं कहता हूँ कि देश के जनता ने आपको वोट दिया था, इस देश के जनता को कर्जा माफ करना चाहिए था। आपने अडानी जी को कर्जा माफ करते हैं, विजय माल्या लेके भाग गया, मोहुल चौकसी लेके भाग गया, अपने सब कुछ बेच रहे हैं, मजदूरा के बेच दिए, किसान को बेच रहे हैं, किसान का फसल का कीमत नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर दिए। और आप तो मोदी जी के राज में आत्महत्या पर बात ही नहीं किया जा रहा है। अब नहीं दिखा रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश की हालत है, देश की हालत है कि जो 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगा कि मैं आपका बेटा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, हम आपके तरफ से प्रचार करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, उसकी आज सरकार है। वो देश को गुलाम बना दिया है, आर्थिक गुलाम बना दिया गया है, सिर्फ राजनीति गुलामी बाकी है। गुलाम हो गया देश, बिजली बेच दिया,
रेल भेज दिया, सेल भेज दिया, तेल भेज दिया, मजदूरों को भेज दिया। 8 घंटा ड्यूटी था, 12 घंटा कर दिया उतने पैसा में, 4 घंटा फ्रीने में बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा। क्या लगता है क्या होगा इस बार, क्या माहौल है इस बार? 40 से पार नहीं करेंगे मोदी जी, ये 400 इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कैडर रहीसन भाग जाए, इसलिए यहाँ से 400 पार कर। अरे मोदी लहर चल रहा है, मोदी मैजिक, मोदी लहर खत्म, मोदी लहर खत्म, मोदी लहर हिंदुस्तान में खत्म। अब इनको हिंदुस्तान से झोला लेकर के चल जाना। अब कौन सा लहर चल रहा है अभी? अभी लहर चल रहा है महागठबंधन का लहर चल रहा है, नहीं पूरे हिंदुस्तान में महागठबंधन लहर चल रहा है। आइए, गठबंधन में तेजस्वी जी हैं, भाकपा माले हैं, CPIM CPM है, ये ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान में महागठबंधन। मोदी जी गया में आ रहे हैं, आ रहे हैं, देख लीजिएगा कितने लोग रहेंगे। सब लोग मजदूरा को कहेंगे चला खाना देवो, पूरी देवो, कचौड़ी देवो और 500 रुपया देवो, चला गाड़ी में बैठ करके। बेचारे बेरोजगार है, चल जाएगा 500 रुपया के लालच में। पैसा बांटते हैं जी, पैसा बांटेंगे, हाँ। पैसा पड़ जाएंगे, ऐसे किसी से गरीब से टोला में जाइए ना, रो रहे, काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा है, हमको रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको संविधान चाहिए, इसकी रक्षा करने के लिए। क्या संविधान खतरे में है क्या? पूरा खतरे में, ये 24 के कह रहे हैं कि हमको 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे। कैसा संविधान लाना चाहते हैं? यह संविधान जो बना हुआ है अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, इस संविधान को बनाने के लिए वीर कुंवर सिंह, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दिया। उस संविधान को कह रहा है कि अंग्रेज के बनाए हुए संविधान है, इससे और क्या हो सकता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लखन प्रसाद है, राम लखन प्रसाद जी, भाकपा माले के मैं कैडर हूँ। इसलिए आप लालटेन जला रहे हैं? जी लालटेन नहीं, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है संविधान बचाने के। आप लोग बताओ, आप तो युवा है, क्या गया में क्या माहौल है, लालटेन या फिर कराही? लालटेन, आरजेडी। आरजेडी जी, क्या आरजेडी में क्या खास है? आरजेडी में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, नौकरी देगा, रोजगार देगा। तो कौन करता है? मोदी साहब है, खालिस्तान की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, राम मंदिर करते हैं, मस्जिद करते हैं, हम लोग चाहिए आरजेडी, महागठबंधन की गवर्नमेंट चाहिए, आरजेडी चाहिए जी। तो कल गया में आ रहे हैं मोदी जी? अरे मोदी आए, उनका स्वागत है गया में। क्या होगा, कहीं मैजिक चलेगा तो? आपकी बार 400 हार, 400 हार, आपकी बार नहीं, आपकी बार 400 हार, आपकी बार 400। लालटेन वाले हो तुम लोग भी? नहीं, आरजेडी। चलेगा लालटेन, चलेगा, आदम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पूरा चलेगा, वो घर घर में लालटेन, घर घर में लालटेन चलेगा। क्या चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, हाँ बोलिए सब, चुपचाप लालटेन छाप सब, जोश नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा आप बताइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, क्या माहौल है गया में ये बताइए। माहौल तो पूरा जनता देख रहा है, माहौल आप भी देख रहे हैं, पूरे मीडिया वाला माहौल देख रहे हैं। लालटेन में है? हाँ लालटेन में है, खाली लालटेन चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि मुद्दा पे होना चाहिए, मुद्दा पे होना चाहिए, नहीं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और ठेंगा दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। चुपचाप लालटेन, रुक जाइए, रुक जाइए, बाप रे बाप, एक मिनट, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बात करने दीजिए, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा रोजगार है, विकास है। तो रोजगार लगता है कि तेजस्वी यादव देंगे? हाँ दिए भी, 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, और फिर वादा किए हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी दूंगा। वो तो बोले 30 बार हमने दिया, क्या हमने दिया रोजगार? तो 15 साल से क्या कर रहे थे, क्या उखाड़ रहे थे 15 साल से, वो सत्ता में नहीं थे 15 साल। बोल रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार बड़ा बड़ा बैनर लगा, मीडिया वाला के काम है, मीडिया वाला को काम है। रोजगार किस फील्ड में मिला? शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में, दोनों विभाग किसके पास था? तो फिर क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री सर, वही नीतीश जी और बीजेपी के नेता लोग बोलते थे इलेक्शन पिछला बार विधानसभा के चुनाव में कि कहां से रोजगार देगा, बाप के जेल से पैसा ला कर देगा, लेकिन जब बोला था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं मिल पाएगा इतना रोजगार, असंभव है, लेकिन तेजस्वी 4-5 लाख नौकरी दे करके और दे करके साबित किया कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप दिल से चाहोगे विकास करना तो। लेकिन मुद्दा से भटका करके चुनाव लड़िएगा आप, लोगों को पुराना चीज को बता करके डर दिखा दिखा कर चुनाव लड़िएगा, और झूठ का, देशभक्ति का सिंपैथी लेकर के, हिंदू मुसलमान का सिंपैथी लेकर के चुनाव लड़िएगा। कौन करता है हिंदू मुसलमान? कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है।
कभी नहीं, तो ऐसा मोदी जी ने कभी नहीं कहा, नहीं कहा। गाय कहते हैं कि हमारे लिए सब भाई हैं। एक बार गाय का माता मानता है और हाई कलर रुपया लिया, चंदा लिया, बीफ कंपनी से चंदा लिया, ठीक है। उसको उसको गाय गाय कटने से दिक्कत है तो चमड़ा वाले कंपनी को बंद करा देना। बिल्कुल बिल्कुल राइट, चंदा लिया तो सही होता है। जो ढोल बजता है गाय भैंस के चमड़ा से उसको बंद करवा दे, वो जो जो कंपनी है जो ढोल। क्या माहौल है, बदलाव होगा देश में? देखिए बदलाव हम लोग के हाथ में है, लेकिन यहाँ पता है क्या है, पब्लिक जो है मीडिया जो है पब्लिक को ब्रेन वॉश करती है। अब दिन रात एक आदमी को हीरो के रूप में पेश किया जाएगा, एक झूठ को 100 बार दिखाया जाएगा तो वो झूठ झूठ नहीं रह जाता, सच हो जाता है। मोदी लहर है या नहीं है? ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। मोदी मोदी जन जन का नेता नहीं है, वो मार्केटिंग का नेता है, मार्केटिंग का नेता है, मीडिया का नेता है। कभी भी लाइव इंटरव्यू दिया है? कभी नहीं दिया है। आप तो तेजस्वी से जाकर लाइव इंटरव्यू ले लेंगे, लाइव इंटरव्यू देंगे, लेकिन वो कभी नहीं देगा, वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। अच्छा ये बताइए, ये चीज करता है। कल आपके गया में मोदी जी खुद आ रहे हैं, तो उसका देखिएगा, उस देखिए यहाँ पाए होंगे तो लग रहा हो कि आम जनता और गरीब जनता का नेता आया है। वहाँ जाइएगा ना तो आपको वीआईपी बैरिकेटिंग मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है। तो मोदी जी जब कल गया में आएंगे तो माहौल बदलेगा गया का? नहीं लगता। देखिए ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, वो बंदर रास्ता है, नाचने तो देखने सब चला जाता है, समझे? माहौल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव होता है भाई, जब किसी के एटीएम से, किसी के मोबाइल से पैसा हैक हो सकता है, किसी का फेसबुक आईडी इंस्टा आईडी हैक हो सकता है, तो वोट भी हैक हो सकता है, ईवीएम भी हैक हो सकता है। मतलब आप लोग सुरजीत पासवान है सब? चुपचाप लालटेन छाप। हम दलित भाइयों से बोलना चाहेंगे, बहुत से दलित भाई जो मांझी समाज के हैं या पासवान समाज के हैं, वो लोग डाइवर्ट हो गए हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, जीतन राम मांझी बीजेपी। भाई उन लोग अपना रोटी सेकने के लिए, अपना बस अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। अगर उन लोग लालू जी तरफ आएंगे तो उन लोग को भी ईडी सीबीआई आ जाएगा, वो डर से भी उधर है। तो आप लोग को समझना कि आप लोग की हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। दलित का नेता कोई बनता है जाकर के फिर सामंतवादियों की गोद में ही बैठ जाता है, इसलिए वहां पे रहिए। जो आपकी आवाज है, जो आपके लिए बदनाम हुआ, आपके लिए जेल में गया, उसके साथ रहिए। मतलब आपके ऊपर जो उपकार किया है उसको भूलिए नहीं। मतलब युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी यादव, तेजस्वी पूरा विश्व में, पूरे देश में चर्चा है इसका। चलिए पूरे देश में चर्चा है। और देखिए इसका उदाहरण एक है कि नीतीश कुमार आए सिलेवटा के मैदान में, 1000 पुलिस थी और मात्र 300 जनता थी, ये देखने को मिला। किसका लहर है पता चल जाता है, मतलब नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो रहा है। सुनिए सर, जनता का सारा दोष होता है, जनता भी इतना नमक हराम होता है। हम ऐसे ऐसे दोस्तों को देखे हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों को, जो मेरा दोस्त है उसको नौकरी तेजस्वी के राज में मिला है, वो टीचर बना है तेजस्वी के राज में, लेकिन फिर भी कहता है ना कभी कभी कि वोट हम मोदी को देंगे। इतना नमक हराम है, जनता ही सबसे गलती जनता की होती है, इसीलिए सरकार मनमानी करता है। अगर जो सरकार काम नहीं कर रहा है, उस सरकार को आप बार बार जिताओगे तो काम करेगा? वो तो लगेगा कि बिना काम किए हमें वोट मिल रहा है, वो मनमानी करेगा, तनाशाह हो जाएगा। बहुत नाराजगी है मोदी सरकार से? नाराजगी है क्योंकि उस लोग को उससे उम्मीद थी। अभी रेलवे में देखिए मात्र 5500 लोगों को पायलट का, इतना बड़ा कंट्री में सिर्फ 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा रेलवे में, और रेलवे सबसे बड़ा सोर्स था नौकरी का। मेरा नाम है प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार, देखिए प्रीतम कुमार को आप सुन रहे थे, और साफ तरीके से मोदी सरकार से नाराजगी है और कह रहे हैं कि इस बार गया में लालटेन जलाना है। लेकिन देखना होगा क्योंकि जब तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो गया का सांसद कौन बनेगा? सरबजीत पासवान। हां बोलिए। ये हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया, देश की मीडिया जहाँ पे 90% सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं मीडिया में, सारे पूंजीपति को सपोर्ट करने वाले लोग हैं मीडिया में, उन लोगों ने लालू यादव के बारे में लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा किया, उस चीज को जंगल राज का नाम डरा करके। क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना जंगल राज है? अगर कोई हमें हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा हुआ है, वो हम उस गुलामी के विरोध में आवाज उठाने लगेंगे तो जंगल राज है? नहीं, बोला ये जाता है कि गाड़ियों को लूटा जाता था, बहन बेटियों को लूटा। सुनिए सर, हम बताते हैं, हम भी 90s किड हैं, 90s में पैदा हुए हैं। हम बचपन में दूसरे गांव से, पहले घर घर में टीवी नहीं होता था, दूसरे गांव में से भी लोग टीवी सीडी देखकर आते थे, फिल्म देख करके। हम रात में 1-2 बजे दूसरे गांव से फिल्म देखकर अपने गांव में गए हैं, हम तो नहीं मरा गए कहीं, है? क्रिकेट खेल करके यहीं से जाते थे, लोग बोलता था इधर नहीं जाना मरा जाओगे, यहीं से खेल के सगाई फील्ड से खेल करके दरियापुर 2 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल शाम में 6-7 बजे, हम लोग तो नहीं मरा गए। तो ये सिर्फ भ्रमित किया गया है, मर्डर आज भी होगा जो होना रहता है, जो
आज भी मर्डर हो रहा है यहीं पे नीतीश जी के राज में। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पंडोल जगह है, पुल के नीचे 2 लाश फेंका हुआ था 2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले नीतीश की राज। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डर दिखाया जाता है। और जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, यादव जाति के प्रति अदर जातियों में मीडिया वालों ने नफरत फैलाया है यादव के प्रति, कि यादव इसकी वजह से लालू को वोट नहीं दे। यादवों को भरमाया गया, यादव को नहीं, यादव के प्रति दूसरे जात को भरमाया गया है कि वोट नहीं दो नहीं तो यादव लोग गुंडागर्दी करेगा, ये करेगा, ये डर दिखाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ग्राउंड लेवल पे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, समझे, ये सिर्फ डर दिखाया गया है ताकि दूसरा